फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्ना स्क्वायर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नींबू और हरी मिर्च का मिक्स अचार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आप ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पे हरी मिर्च ले ली हूँ और ये मेरा खेत का मिर्च है। तो मैंने इसे धो ली हूँ और इसे कपड़े पे अच्छे से फैला के सूखने के लिए रख दी हूँ। और अब मैं इसका डंडी को रिमूव कर रही हूँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको सारे डंडी को रिमूव करके। सारी डंडी को रिमूव कर दी हूँ और ये मेरा 200 ग्राम हरी मिर्च है और इसे अब मैं, तो आप ये देख सकते हैं मैं मिर्च को इस तरह से दो टुकड़े में कट कर ली हूँ। और मैं यहाँ पे लेमन ली हूँ, तो ये भी मेरे पेड़ का लेमन है। और देखिए मैं यहाँ पे 6 लेमन ली हूँ और ये देख सकते हैं ग्रीन पार्ट को हल्का हल्का रिमूव कर दी हूँ। और ये देखा जाए तो 500 ग्राम लेमन है, आधा के जी। तो चलिए अब लेमन को कट कर लेती हूँ। और ये हरी मिर्च है, तो आप ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे स्टील के बर्तन ले ली हूँ। आप स्टील या प्लास्टिक के बर्तन में रखिएगा, नहीं तो रिएक्शन हो जाता है। तो ये देख सकते हैं मैं लेमन को इसमें डाल दी हूँ और अब हरी मिर्च को भी इसी में ऐड कर देना है। मैं 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ इसमें। तो ये देख सकते हैं मैं इसे मिक्स कर देना है। अब मैं इसमें एक लेमन को इसमें निचोड़ रही हूँ इस तरह से। अब इसे कवर करके रख देना है ओवरनाइट के लिए। तो आप ये देख सकते हैं 24 घंटा हो चुका है और इसमें पानी कितना रिलीज सा हो गया। तो अब मैं इसे छान लूंगी। तो ये देख पानी से अलग कर दी हूँ, जो पानी अभी रिलीज हुआ है ये पानी को अब मैं फेंक देना है, इसे यूज़ नहीं करना है। तो चलिए अब ये देखिए मैं मसाला में ली हूँ, ये है अजवाइन, 4 टेबल स्पून अजवाइन ली हूँ। और ये है मोटा वाला सौंफ जो मसाले में यूज करते हैं, ये भी 4 टेबल स्पून है। और मैं यहाँ पे 4 टेबल स्पून धनिया ली हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा जीरा भी लिए हैं, 2 टेबल स्पून के करीब है। और ये मेथी दाना है, ये भी 4 टेबल स्पून है। और चलिए अब मैं इसे रोस्ट कर लेती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग मसाले को कम ज़्यादा कर सकते हैं। पैन हीट हो चुका है और अब मैं मसाले को इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पे, मॉइस्चर ख़त्म होने तक भुनाई करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून काला वाला सरसों और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। मॉइस्चर ख़त्म होने तक भुनाई करेंगे। तो इसमें देखिए एक अच्छा सा स्मेल आने लगा है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और मसाला ठंडा होने के बाद मैं ग्राइंड करूँगी। तो आप ये देख सकते हैं मसाला ठंडा हो चुका है और अब मैं ग्राइंड करूँगी। तो इसे रफली ग्राइंड कर लेना है। तो आप ये देख सकते हैं दरदरा सा ग्राइंड कर ली हूँ। तो चलिए अब मिक्स करते हैं मसाले को। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ, मैंने पहले भी नमक ऐड किए थे, ध्यान रहे। अब मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ले रहे हैं। अभी जो हमने मसाले ग्राइंड किए ये वही मसाला है, ऐड कर देना है इसमें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कलौंजी और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। चार है ना, तुम भी खाओगी? अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और मैं यहाँ पे एक कंटेनर ले ली हूँ, तो आप कांच का जार ले लीजिएगा, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैं प्लास्टिक का ही ली हूँ। और इसमें ऑयल को अच्छे से फैला दिए हैं और अब मैं इसमें सारे अचार को इसमें डाल देना है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने भर ली हूँ और इसमें इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड, और अचार को 15 दिन धूप दिखाना है। धूप नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिना धूप का भी ये अचार बहुत ही अच्छा बनेगा और ख़राब नहीं होगा। ओके भाई, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे।